साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और उन मीडिया वालों के मुंह पर ये तमाचा है, उनको अब भी आँख खोल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और आज तो पूरे पंडाल के बाहर रोड तक में कितनी पब्लिक थी, कितने बापू के साधक थे। बापू हमारे निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर जिसको देखना है तो आज का जो हमारे शिविर जो चल रहा है उस शिविर में आप आकर के यहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखो, नहीं तो वीडियो देखो। वीडियो देख करके आंखें खोल लो, और अब भी आंखें न खुले तो उनसे बड़ा अंधा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। तो मीडिया वालों को तो मत देखे, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक पड़ जाएगा, क्योंकि उनको देख करके बर्दाश्त नहीं होगा। और ये वीडियो देखेंगे तो उनकी तो क्या दशा होगी, हमें लगता आगे पीछे से तो पीले नीले हो जाएंगे। तो बात करेंगे सूरत आश्रम कृषि प्रसाद कार्यालय के शिवाजी भाई से। शिवाजी भाई, काफ़ी भारी संख्या में, मतलब आज आखिरी दिन था शिविर का, पाँचे पाँच दिन भीड़ रही, लेकिन आज तो अनोखा नज़ारा था, काफ़ी संख्या में लोग आए। शायद ये वीडियो मीडिया के कुछ लोग देख लेंगे जो रात दिन निंदा करते थे, कुछ निंदक देख लेंगे, शायद वो अपने मोबाइल और लैपटॉप तोड़ सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है वीडियो देखने से, क्योंकि एक आज अनोखा नज़ारा था बापू के भक्त। बापूजी के भक्तों का हर बार अनोखा नज़ारा होता है, और बापूजी का नज़ारा भी कुछ अलग ढंग से ही होता है। जो बापूजी ने परंपरा से यहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया जाता था और कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता था, मटकी फोड़ कार्यक्रम होते थे, लाखों की संख्या में लोग आते थे। और अभी बापूजी 10 साल से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी भी जन्माष्टमी का मस्त 4 दिन से चल रहा है, 5वें दिन चल रहा है, और इतनी संख्या थी कि लोग बाहर बैठे थे, बाहर बैठने के लिए जगह नहीं थी, और इतना आनंदित हो रहे थे लोग जैसे कि बापूजी स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान हो, ऐसा अनुभव हो रहे थे। तो लोगों का ये अनुभव इतना है कि कुप्रचार वाले भले आकाश से पाताल तक एक कर ले, एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा ले, पूरा विदेशी षड्यंत्र एक हो जाए, लेकिन बापूजी की जो सत्यता है वो टूट नहीं सकती है। बापूजी जो सत्य पथ पर है वो कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बापूजी के यहाँ पे कितना नज़ारा है, छोटे बच्चे से लेकर के वो वृद्ध जवान सब लोग उत्साह से लगे हुए थे, देख रहे थे, और यहाँ ध्यान योग शिविर का लाभ लिया, और इतना लाभ लिया कि शायद उनके जीवन का ये पहला अवसर होगा कि ऐसा दुर्लभ अवसर उन सभी को मिला है। बसें भर भर के लोग आ रहे थे, रिक्शा से लोग आ रहे थे, पैदल लोग आ रहे थे, दिन में लोग आ रहे थे, रात को लोग आ रहे थे, और जैसा उनको अवसर मिला, जैसा साधन मिला, वैसे लोग आए और जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। वरदादा की परिक्रमा करने के लिए लोगों के पास घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और पंडाल में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी, बारिश हो रही थी फिर भी लोग बाहर बैठे थे। ये बापूजी का सत्संग का ही प्रभाव है, बापूजी के संस्कारों का प्रभाव है, क्योंकि बापूजी ने केवल भौतिक जगत का ही नहीं, आध्यात्मिक जगत की एक ऊंचाइयों का और ब्रह्म ज्ञान का जो सत्संग दिया है, जो कभी सतयुग में चला करता था, कभी त्रेता युग में चला करता था, कभी द्वापर युग में कृष्ण भगवान के द्वारा चलता था, वही बापूजी ने कलयुग के अंदर साकार करके दिखाया है। ऐसा दुर्लभ योग योगों के बाद कभी पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, इसलिए बापूजी के साधक भक्तों को कोई श्रद्धा तोड़ नहीं सकता है, उल्टे और लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। अभी तो देखना अब आगे आगे क्या चमत्कार होता है, पूरी दुनिया बापूजी का जय जयकार करेगी। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बापू के भक्तों में कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है, न थी, न है, न रहेगी। और उन मीडिया वालों के मुंह पर ये तमाचा है, उनको अब भी आँख खोल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये देखो आज भी बापू के भक्त कितनी प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं। और आज तो पूरे पंडाल के बाहर रोड तक में कितनी पब्लिक थी, कितने बापू के साधक थे, ये तो जिसकी आँख ना हो वो भी खोल करके देख ले कि क्या आज भी वही पोजिशन है जो तब थी, कोई कमी नहीं है बापू के भक्तों में। क्योंकि जहाँ पर आदमी बिल्कुल स्वच्छ साफ होता है, बापू हमारे निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर जिसको देखना है तो आज का जो हमारे शिविर जो चल रहा है उस शिविर में आप आकर के यहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखो, नहीं तो वीडियो देखो, वीडियो देख करके आंखें खोल लो, और अब भी आंखें न खुले तो उनसे बड़ा अंधा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। मेरे को लग रहा है आज ये षड्यंत्रकारी शायद ये वीडियो देखेंगे, अटैक आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, नहीं मतलब उनको घबराहट हो जाएगी। उनको मीडिया वालों को तो मत देखे, नहीं तो कहीं हार्ट अटैक पड़ जाएगा, क्योंकि उनको देख करके बर्दाश्त नहीं होगा। जब वो भीड़ देख करके बर्दाश्त नहीं होती तो अब तो और बढ़ रही है दिन पर दिन। साल हो गए उसके बाद इतनी भीड़, मतलब आश्चर्य को ये तो उनको अब उनकी दुर्दशा क्या है तो सब देख रहे हो ना, भारे भागे भागे घूम रहे हैं, थौर नहीं मिल रहा है, और ये वीडियो देखेंगे तो उनकी तो क्या दशा होगी, हमें लगता आगे पीछे से तो पीले नीले हो जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बहुत संभल के रहें और होश में आ जाएं, उसी में अच्छाई उसी में भलाई है। और बाकी भी जो मीडिया वाले और अन्य भी जो हैं जो बगैर सोचे समझे जो काम करते हैं, किसी संत की निंदा करते हैं या सुनते हैं, तो उनको भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि कालचक्र किसी को बख्शने वाला नहीं है। तो 5 दिवसीय जन्माष्टमी शिविर थी, उसमें 2 दिवसीय विद्यार्थी शिविर थी, बच्चों की शिविर थी। क्या नाम है आपका? मेरा सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से हरिओम कहना चाहूँगा। मेरा नाम है गर्वित मित्तल, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ मेरे माता और पिता के साथ ये 2 दिन का विद्यार्थी शिविर भरने आया हूँ। मैंने यहाँ आते ही देखा कि यहाँ बहुत भीड़ है, और मैंने यह भी देखा उसके साथ ही साथ कि 11 साल हो गए लेकिन अभी भी लोगों की बापू के प्रति उतनी ही श्रद्धा मौजूद है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारे बापू जी को जल्दी रिहा कर दिया जाए। बच्चा हरियाणा से आया है, 2 दिवसीय शिबिर में आया। बच्चे ने बताया कि यहाँ आकर देखा काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ बापू के भक्त थे, क्योंकि 5 दिन तो भीड़ थी ही थी, लेकिन आज आखिरी दिन एक अनेरा नज़ारा देखने को मिला, काफ़ी भारी संख्या में बापू के भक्त थे। कहाँ से आए? हरिओम, मैं आनंदी पुणे से हूँ। मेरा नाम फुलारी राजचप्पा है। मैं 2011 में दीक्षा लिया है, और मैं आनंद में आश्रम में हर दिन 2 घंटे साधना कर लेके हर दिन जाता हूँ, और मैं यहाँ जन्माष्टमी शिविर भरने के लिए सूरत आया हूँ। क्या क्या मिलता है इतनी दूर से आप लोग आते हो यहाँ? बाहर तो माया जाल मिलता है, यहाँ तो साधना, जप, ध्यान, भजन, कीर्तन, सब ये सब बाहर का जो नहीं मिलता है यहाँ सब मिलता है। मैं मुंबई से आई हूँ, अर्चना गुप्ता। मैं 2 दिन का शिविर अटेंड करने आई हूँ। यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगता है कि फिर से मुझे मुंबई जाने का मन नहीं हो रहा है। इतना पता नहीं ये बापूजी का जादू है कि क्या है, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, बट ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, अभी बस करो, 10 साल हो गया, हमारे बापूजी को जल्दी न्याय दो। तो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ भक्तों का एक जन सैलाब आया हुआ था, और इन भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरा मैन रंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से प्रेस की ताकत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।